जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वीर अब्दुल हमीद की पूरी बायोग्राफी बताने की कोशिश करूंगा। आखिर कैसे वीर अब्दुल हमीद ने आरसीएल गन से पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को मार गिराया। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, बस लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू से शुरू करते हैं। वीर अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोवाइंसेस ब्रिटिश इंडिया यानी आज के गाजीपुर उत्तर प्रदेश जुलाई 1933 में हुआ था। अपने विलेज में ही 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल हमीद का इंटरेस्ट इंडियन आर्मी की ओर बढ़ गया और फिर वाराणसी में अपना ट्रायल देने के बाद मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इनका 4 ग्रेनेडियर्स का यूनिट बना। समय था 1955। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनके पिता एक टेलर थे और साथ ही ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। समय बीतता गया और 1962 में साइनो इंडियन वॉर स्टार्ट हो चुका था। इस युद्ध में अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर रेजिमेंट के 4th बटालियन के साथ नमकाचू नदी के पास थगलाग में तैनात थे और अब 10th अक्टूबर 1962 को अब्दुल हमीद और उनके बटालियन की ओर भारी संख्या में चाइनीज आर्मी बढ़ रही थी। इतनी भारी मिलिट्री को देखते हुए इनकी बटालियन को पीछे हटना पड़ा। 62 का वॉर खत्म होने के बाद अब्दुल हमीद और उनकी यूनिट अंबाला पंजाब में पोस्ट हो जाती है। समय बीतता गया और अब्दुल हमीद भी काफ़ी प्रमोशंस पा गए थे। और दोस्तों अब साल 1965 में एक और युद्ध हुआ जिसे हम इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 के नाम से जानते हैं। इस वॉर पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो भी मॉडर्न एडिटिंग के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कहानी में वापस आए तो उस समय अब्दुल हमीद जी ग्रेनेडियर रेजिमेंट की 4th बटालियन के साथ पंजाब के खीमकरन के इलाके में तैनात थे। साथ ही साथ अब्दुल हमीद 106 मिलीमीटर आरसीएल गन को बेहतरीन तरीके से चलाना जानते थे। और दोस्तों उस युद्ध में हुआ क्या कि अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को उस आरसीएल गन से मार गिराया। और दोस्तों इसी युद्ध में कुछ समय बाद अब्दुल हमीद के सामने एक अचानक पैटर्न टैंक सामने आ जाता है और उसी की मिसाइल के द्वारा अब्दुल हमीद जी शहीद हो जाते हैं। समय था 10th सितंबर 1965। साथ ही साथ इस युद्ध में इतनी महानता से लड़ने के बाद इनके नाम पे कई मेडल्स दिए गए, जैसे परमवीर चक्र, समर सेवा मेडल, रक्षा मेडल जैसे कई बड़े अवार्ड भी मिले इन्हें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कंपनी क्वार्टर मास्टर वीर अब्दुल हमीद जी की बायोग्राफी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।